हाय दोस्तों, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी टेक्नो ने अपना एक नया डिवाइस टेक्नो पोवा 2 लॉन्च कर दिया है। ये फिलहाल फिलीपींस में लॉन्च किया है। ये स्मार्टफोन जो है सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसके स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो टेक्नो पोवा स्मार्टफोन 6.9 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ में आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है और टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज है। इस डिवाइस में ऑक्टाकोर मीडियाटेक का हेलियो G85 चिपसेट प्रोसेसर दिया गया है। इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें 6GB की रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है। वही यह हैंडसेट एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है और HiOS 7.6 पर ये काम करता है। कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो टेक्नो पोवा 2 स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का LI सेंसर दिया गया है, जबकि इसमें फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। इस फोन में 7000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि इसका हाईलाइट है। दमदार बैटरी जो है इसका मेन की फीचर है। इसी के साथ में इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई, GPS, 4G, ब्लूटूथ 5, GPS और माइक्रो USB जैसे कनेक्टिविटी के फीचर्स भी दिए गए हैं। कीमत की अगर हम बात करें तो कंपनी ने टेक्नो पोवा 2 स्मार्टफोन की कीमत लगभग भारतीय करेंसी के अनुसार 12,200 रुपये रखी गई है। इस कीमत में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगा। फिलहाल यह जानकारी नहीं मिली है कि इस डिवाइस को कब तक भारत समेत अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ये 12,000 जैसे मिड बजट रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन मिलता है, जो कि 7000 mAh की जंबो बैटरी के साथ में आता है। तो ये बहुत जल्द भारत में भी लॉन्च होगा, तब हम आपको जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें।